हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक क्रेडिट फॉर फूड बेवरेजेस हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो जिसके बारे में फर्स्ट वीडियो हम लोग ने अपलोड किया था रिगार्डिंग व्हाट इज़ ब्लॉक क्रेडिट्स, सेकेंड वीडियो जब हम लोग ने अपलोड किया था उसके अंदर हम लोग ने पहला देखा था कि ब्लॉक क्रेडिट के अंदर एक आइटम आता है दैट इज़ मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। अब ये जो हम लोग ये वाला वीडियो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फॉर फूड बेवरेजेस हेल्थ एंड अदर सर्विसेज, इसका क्रेडिट क्यों ब्लॉक किया गया उसका लॉजिक देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को ऐसा करना क्यों ज़रूरी पड़ा, राइट? तो लॉजिक के थ्रू हम लोग देखेंगे कि फूड बेवरेजेस एंड अदर हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज ब्लॉक क्यों किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या होता है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है कि आपने जीएसटी पे किया, वो जीएसटी पेमेंट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट। जीएसटी आपने पे किया, जीएसटी का बेनिफिट, जीएसटी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने मोटर व्हीकल किया था, अब हम लोग करेंगे फूड बेवरेजेस एंड हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसके अंदर क्या क्या आता है? तो पहला आता है फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा आता है आउटडोर केटरिंग, तीसरा आता है हेल्थ सर्विसेज, आप ध्यान से देखना इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इसका क्रेडिट, इन सब का क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड है। मतलब अगर आपने ये चीज़ें परचेज की, क्या की आपने ये चीज़ें क्या की आपने परचेज, अब जब आप परचेज करोगे तो उसके ऊपर आप क्या पे करोगे? जीएसटी पे करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो ये जीएसटी जो आपने पेमेंट किया इसका आपको क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे करना है? तो ये लिस्ट है, देखो एक लिस्ट है, छः पॉइंट की एक लिस्ट है, दो और है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इसको समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए इसका क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है गवर्नमेंट ने आपको अलाउ नहीं, गवर्नमेंट आपको है ना कंपल्शन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट आपको डिस्करेज कर रही है। क्या डिस्करेज कर रही है? कि बाहर का खाना और बाहर का पीना बंद करो। ध्यान से देखो, हाँ मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट आपको डिस्करेज कर रही है कि बाहर का फूड और बेवरेजेस मत खाओ, आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगा। ये सेंटेंस याद रखो, गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है? डिस्करेज कर रही है कि फूड बेवरेजेस बाहर का मत खाओ, बाहर की जो आउटडोर केटरिंग होती है उसका खाना मत खाओ, अगर आप खाओगे बोलने के बाद भी, मना करने के बाद भी खाओगे तो आपको हेल्थ इश्यू होगा। क्या होगा? आपको हेल्थ इश्यू होगा। हेल्थ इश्यू होगा तो पता है आपको बाहर का ऑयली खाने से क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम होता है। तो आपको आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लुक गुड। तो बाहर का खाना बंद करो, केटरिंग में जाके आउटडोर केटरिंग का खाना बंद करो, अदरवाइज आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगा, उससे आपको फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और कभी कभी प्रॉब्लम इतना हो जाता है कि आपको कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ती है। देखो एक ये केस जैसा मैंने आपको बता दिया, तो इससे क्या होगा, ये लिस्ट आपको याद होगी, बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, तो बाहर का फूड और बेवरेजेस मत खाओ पियो, आउटडोर जाके केटरिंग करके खाना पीना मत खाओ, उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम होगा, उससे आपको क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम होगा। हेल्थ प्रॉब्लम डेटोरिएट हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा फेस का, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। फिर अगर ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो भी आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? आपका खर्चा समझो 10 लाख रुपया आएगा, तो हेल्थ वाला आपको 10 लाख रुपया थोड़ी पूरा देगा, तो फिर आपको ये हेल्थ और इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपको इतना काम नहीं देगा, क्योंकि पहले से ही गवर्नमेंट ने आपको अलाउ बोला है, डिस्करेज किया कि ये चीज़ें मत करो। तो इसीलिए ये सब 6 चीज़ों का हम लोग को क्रेडिट जो है ब्लॉक है, क्योंकि मना कर रहे हैं ना बाहर का मत खाओ, उससे प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, सर्जरी करानी पड़ती है, और फिर बाद में आप हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि यहाँ से पैसा आएगा, तो पूरा पैसा थोड़ी वो देते हैं,
थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनके ऊपर का जो भी जीएसटी आप पे करोगे वो क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, कि लिस्ट याद नहीं होता कि कौन कौन से आइटम आते हैं। तो बस यही याद रखो, बाहर का खाना नहीं खाना है तो फूड एंड बिवरेजेस, केटरिंग का खाना नहीं खाना, आउटडोर केटरिंग का, जो भी किसी की शादी का है, किसी की मतलब रिसेप्शन का है, मत खाओ, क्योंकि बाहर खाने से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, फिर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो गए तो ब्यूटी ट्रीटमेंट आपको, मतलब मुंह पे पिंपल्स आ गए, क्या ऑयली स्किन है, जो भी है, और बहुत डिटेरियरेट हो जाता है तो सर्जरी करानी पड़ती है। और जब ये सब होता है तो फिर आपकी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पर उन्होंने क्या किया है, क्रेडिट को ब्लॉक किया है। हाँ, ये चीज़ों का ब्लॉक क्रेडिट आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ होगा ओनली व्हेन इट इज़ सप्लाइड एज एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई सेम कैटेगरी, और दूसरा अंडर सप्लाइड एज ए एलिमेंट ऑफ कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। इसका मतलब क्या, अगर आपने ये पर्सनली लिया, इसके ऊपर GST पे किया तो ब्लॉक है, लेकिन आपने अगर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिया और उसमें आपने इसको इंक्लूड किया, या कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई दिया इसके अंदर उसको इसको इंक्लूड किया, तो आप समझ जाना उसका ITC आप ले सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, होटल का। अब होटल के रूम है, बराबर है, होटल के रूम है, होटल के रूम आप लेते हो, तो होटल के रूम के साथ साथ आपको वहाँ पर जो भी लंच होगा, डिनर होगा, ब्रेकफास्ट होगा, वो मिलेगा। तो ये वाली सर्विस आपकी कॉम्पोजिट हो गई, कि आपने वहाँ पे खाना नहीं दे रहे हो, आप वहाँ पे लॉजिंग दे रहे हो स्टे करने के लिए, लेकिन खाना फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कॉम्पोजिट हो गया। तो उस सिचुएशन में अगर फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर कोई भी ITC होगा तो वो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आई बस समझ में? अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आउटडोर केटरिंग का। आपने किसी को ऑर्डर दिया आपके मैरिज फंक्शन को, आपका जो मैरिज फंक्शन है उसको मैनेज करने के लिए। अब मैरिज फंक्शन वो मैनेज कर रहा है, अब वो वहाँ पे खाना भी ऑर्गेनाइज करेगा। अब कुछ ऐसे समझो स्टार्टर्स हैं जो वो खुद बनाने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बाकी सब खाना लेके आ रहा है, लेकिन जो स्टार्टर है वो स्टार्टर वो किसी दूसरे खाने वाले से बनवा के आपको दे रहा है। तो सेम कैटेगरी वाला है, मैं भी केटरिंग का सर्विस देता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा काम पड़ रहा है तो मैं दूसरे से केटरिंग का सर्विस ले रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आपने सेम कैटेगरी के आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए दूसरे से सप्लाई लिया, उस टाइम पे आपने जो भी GST भरा होएगा वो आपको ब्लॉक नहीं होगा, वो अलाउ हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है, ये सब सर्विसेज पर्सनली लोगे तो उसके ऊपर आपको क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन यही चीज़ आप यूज़ करोगे, आप कोई फर्दर सप्लाई करने वाले हो, मतलब आप भी गुड्स एंड सर्विस देते हो, उसके अंदर अगर इन चीज़ों का यूज़ हुआ तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन सेम कैटेगरी का होना चाहिए, या तो मिक्स्ड या कॉम्पोजिट सप्लाई होनी चाहिए। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फूड बेवरेजेस आउटडोर केटरिंग। तो समझ में आया आपको लॉजिक किस तरीके से बताया मैंने? एक दो और आइटम है, पहला है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस और ट्रेवल बेनिफिट। क्या होता है मेंबरशिप, आप क्लब का मेंबरशिप ले लेते हो, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप ले लेते हो, तो उसका जब पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर GST आता है, बराबर है, वो GST का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक है। सेम वे में ट्रेवल बेनिफिट लेते हो, उसके ऊपर लीव ट्रेवल होता है, होम ट्रेवल, जहाँ पे भी करते हो उसके ऊपर आपने GST भरा है तो उसका भी GST का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक होगा। लेकिन ये आपको अलाउड होगा अगर आपने ये सप्लाई किया अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। समझो एग्जांपल के तौर पे आपका कंपनी है, यू आर द एम्प्लॉयर, आपने एम्प्लॉई को, गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी एम्प्लॉई है उसको ट्रेवल करना है तो वो ट्रेवल बेनिफिट दो, इनका हेल्थ अच्छा रहे तो इनको क्लब का मेंबरशिप बोल दो। तो गवर्नमेंट ने अंडर कानून, अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बोला है कि आपको ये मेंबरशिप देना चाहिए, ट्रेवल बेनिफिट देना चाहिए, तब इसका ITC आपको मिलेगा, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन आपने सिर्फ अभी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया मेंबरशिप दिया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, लॉ की तरफ से ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था,
आपने अपने मन से ही दिया, जाओ एंजॉय करो। तो उस टाइम पे आपने एज ए एम्प्लॉयड जितना भी जीएसटी उसके ऊपर भरा होगा वो जीएसटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट फूड हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये समझाने के लिए मैंने जो आपको एक केस स्टडी टाइप में एक्सप्लेन किया था वो याद रखना, तो ये आपको याद रहेगा। खाना नहीं खाना, आउटडोर केटरिंग नहीं करना, हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ आएगा तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट, और ज़्यादा कुछ होगा तो प्लास्टिक सर्जरी, और जब इतना होता है तो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी भी इतना काम नहीं आता, थोड़ा बहुत पैसा देते हैं और हट जाते हैं उन लोग, तो इसीलिए उसको ब्लॉक किया। लेकिन सेम इज सप्लाइड एज ए आउटवर्ड और ए कॉम्पोजिट और मिक्स तो अलाउड है, और सेम ये दो है मेम्बरशिप और ट्रेवल बेनिफिट। अगर कानून ने बोला है, अगर गवर्नमेंट ने बोला है तभी अलाउड है, आप पर्सनल अपने मन से दे रहे हो तो अलाउड नहीं होगा। इसका जीएसटी पेमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो। कुछ लगता है आपको कि इस वीडियो को और इम्प्रूव किया जाए या आने वाली वीडियो को और इम्प्रूव किया जा सके, तो उसके लिए अगर आप सजेशन देना चाहो तो प्लीज़ सजेस्ट, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।